हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो हमारी कोशिश है कि हर पक्ष की खबर दिखाई जाए। अगर किसानों का पक्ष है तो दिल्ली पुलिस का भी सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा इंतजामों को लेकर पक्ष है, और इसलिए हमने गौरव शर्मा की ये बात आपको सुनवाई। आज किसान आंदोलन का 7वां दिन है। पिछले 6 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का जमावड़ा है, लेकिन उससे पहले हम आपको सिंघू बॉर्डर ले चलते हैं, वहां की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, किसानों का जमावड़ा यहां पर बढ़ता चला जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर इस समय किसान संगठनों की आपस में बैठक भी चल रही है, और यहां पर ये किसान जो तमाम पंजाब से चलकर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, इस वक्त की तस्वीरें हैं। लगातार ये जो किसान संगठन है उनका जमावड़ा, किसानों का जमावड़ा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर पर करनाल हाईवे की हैं, और यहाँ पर दिल्ली से करनाल हाईवे की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपको ये सड़क पर तस्वीरें नजर आएंगी, जहाँ पर किसानों ने अपनी गाड़ियां एक तरफ पार्क कर रखी हैं, ट्रैक्टर और तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो आसपास के मैदानों में पार्क कर रखे हैं, और सड़क पर किसान संगठन जमे हुए हैं। यहाँ पर किसान नेता मंच से बारी बारी से अपने साथ आए तमाम किसानों को संबोधित भी कर रहे हैं। इस वक्त की ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में किसान संगठन है, उनको तमाम जो किसान नेता हैं वो बारी बारी से संबोधित कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से रास्ते बंद हैं, रास्ते बंद होने की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम भी लगा हुआ है। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत का सामना पिछले 7 दिनों से करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये जो जाम है ये बढ़ता जाएगा, लोगों की तकलीफें भी बढ़ती चली जाएंगी। और देखिए, इस वक्त की जो तस्वीरें हैं सिंघू बॉर्डर की हम आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से पिछले 7 दिनों से सील है। इस रास्ते से पंजाब, करनाल, हरियाणा की तरफ आवाजाही पूरी तरह से बंद कर चुके हैं किसान। सबसे पहला मोर्चा किसानों ने दिल्ली के मुहाने पर यहीं आके डाला था, और उसके बाद से लगातार यहां पर डटे हुए हैं। तो किसानों के आंदोलन का 7वां दिन है। किसान दिल्ली कूच के लिए आज से 7 दिन पहले 25 तारीख को दिल्ली के मुहाने पर पहुंचे थे, और उसके बाद से सरकार से एक दौर की बातचीत हो चुकी है। कुल मिला के 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, चौथे दौर की बातचीत कल होगी। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे।